तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार, और स्पेशली आज ये वीडियो है गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए जो वाकई में सपना देखती है इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का। और मुझे लगता है कि जब मैं 21st सेंचुरी की बात करता हूँ तो हाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये एक बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं इस देश में जो सपना देखती हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का, चाहे वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए हो। और मुझे लगता है सपना देखना भी चाहिए, और इस सपने को पूरा किया है इंडियन एयरफोर्स में गर्ल्स को फ्लाइंग से लेकर के ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस तक अपॉर्चुनिटीज दे करके। तो आज के इस वीडियो में स्पेशल सेशन होने जा रहा है गर्ल्स स्पेशल, और वाकई में सारी लड़कियों के जानना चाहिए कि उनके पास इंडियन एयरफोर्स में 10+2 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे कितनी अपॉर्चुनिटी, और कमीशन और नॉन कमीशन हम दोनों ही समझने का कोशिश करेंगे कि कमीशन में कितने मौके हैं बच्चियों के पास जो है, किस किस रास्ते से वो बेसिकली एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और नॉन कमीशन में क्या अपॉर्चुनिटी है। और इन सब चीज़ों को बताने का उद्देश्य एक ही होता है कि आप इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें और अपने लाइफ में फोकस प्रिपरेशन करके जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, आप उसे पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स 21st सेंचुरी, मतलब जो किस सेंचुरी हमारी चल रही है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जहां गर्ल्स को हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। उनमें मैं बात कर सकता हूं इंडियन एयरफोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को। सबसे पहले बेस्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स इज द एरियल वारफेयर ब्रांचेज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एयर स्पेस, कंडक्टिंग एरियल ऑपरेशंस एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंट ड्यूरिंग अ नेचुरल डिजास्टर। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है, मुझे लगता है कि देश को हवाई हमलों से हवा सुरक्षा जो प्रदान करने का काम है वो इंडियन एयरफोर्स का है। किसी भी तरह की बड़ी डिजास्टर होने पे भी इंडियन एयरफोर्स का हमेशा से अहम रोल रहता है। साथ ही साथ और समझते हैं, इंडियन एयरफोर्स द मोस्ट साउट आफ्टर सर्विस अमंग विमेन। तो मुझे लगता है कि जब से विमेंस को अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई। द आई प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन टू सर्व द बोथ फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, दोनों के लिए मौका मिलता है। विमेन ऑफिसर आर नाउ एलिजिबल टू बिकम पायलट्स एंड फ्लाई वेरियस एयरक्राफ्ट, मतलब अब आप पायलट भी बन सकते हैं बेटा, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट को आप जो है फ्लाई कर सकते हैं। दे ऑल्सो सर्व द एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी एंड अदर रोल विद द इन एयरफोर्स। तो आज किसी भी तरह का डिपार्टमेंट हो, फ्लाइंग हो, लॉजिस्टिक हो, अकाउंट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन हो, मेट्रोलॉजी हो, हर डिपार्टमेंट में गर्ल्स एस्पिरेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा निभाया है। पहली वे टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स फॉर द गर्ल्स, द इंडियन एयरफोर्स हैज रिकॉग्नाइज्ड द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द विमेन ऑफिसर एंड देयर रोल इन द फोर्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। द इंडियन एयरफोर्स इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट फॉर द विमेन टू सर्व देयर नेशन विद द डिस्टिंक्शंस, विद डिटेंशन एंड विद द ऑनर। लेट अस नो वे टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स फॉर द गर्ल्स। तो आज हम जानेंगे उन सारे रास्तों को जिससे देश की बच्चियां इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बे टू ज्वाइन में अगर हम बात करें तो 10+2 लेवल पे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत देखते हैं फीमेल एस्पिरेंट को मौका मिलता है एंडी एंट्री में। गर्ल्स कैंडिडेट की जो इसमें एज क्राइटेरिया है 15.5 से 18.5 साल, मतलब 15.5 to 18.5 ईयर्स तक आपको अपॉर्चुनिटी होती है एनडीए में ज्वाइन करने के लिए। एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, रिटन एग्जाम है, देन एसएसबी एंड देन मेडिकल। यही कमीशन एंट्री की प्रक्रिया ही होती है, रिटन, एसएसबी एंड देन मेडिकल। तो इस प्रक्रिया से जो बच्चियां हैं वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकती है। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 10+2 लेवल पे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का। अगर आपका सपना है जो है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, तो मुझे लगता है कि 10+2 लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए है। नाउ नेक्स्ट जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ग्रेजुएट लेवल पे है, दैट इज कॉल्ड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकैट। फीमेल कैंडिडेट हु वांट टू फ्लाई हाई इन द स्काई आर ड्रीम टू बी एन एयर वॉरियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, देन दे हैव टू क्लियर एन एग्जाम नेम्ड एफकैट। एक ऐसा एग्जाम जिसका नाम है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन, विच इज हेल्ड ट्वाइस इन ईयर, जो कि दो बार होता है एनडीए के तरीके, ये भी दो बार होता है। इट इज अ रिटन एग्जामिनेशन एंड दोज हु क्वालिफाई द एग्जाम दे कॉल्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसेस सेम, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, देन एसएसबी एंड फाइनली मेडिकल, जिसमें तीन ब्रांचेज मुख्यतः डिफाइन की गई हैं, फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी है एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो विमेन कैंडिडेट्स के लिए एज 20 से लेकर 24 ईयर्स तक है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जो कि 60% है, और 10+2 आपका जो है साइंस स्ट्रीम से, मतलब मैथ फिजिक्स से 50% होना चाहिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, मतलब बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीसीए, कुछ भी है, बट 60% होना चाहिए, बट 10+2 में आपका साइंस में, मतलब मैथ फिजिक्स में आपका 50% होना चाहिए। बीटेक है तो बेस्ट है, बीटेक वाले तो जा ही सकते, बट 60% ग्रेजुएशन में यहाँ कंपलसन है। ग्राउंड ड्यूटी में बात करें विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें एज 20 से 26 ईयर तक, 20 से 26 साल तक काफ़ी एज दी गई है।
इसमें भी दो ब्रांचेस है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसमें कैंडिडेट का 50% 10+2 में मैथ फिजिक्स में तो होना ही चाहिए, बट इसमें आपका सिंपल जो है बीटेक भी होना जरूरी है, इंजीनियरिंग डिग्री भी होना जरूरी है 60% के साथ अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगर मैकेनिकल कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो कैंडिडेट भी तो वही सेम 10+2 साइंस स्ट्रीम 50% और ग्रेजुएशन में आपका इंजीनियरिंग होना जरूरी है विद 60% तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। वही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें, सबसे पहले विपन सिस्टम ब्रांच आती है जिसमें आपका 10+2 में अगेन जो है 50% होना जरूरी है और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किए हुए हैं 60% के साथ या स्पेशली बीटेक किए हुए हैं, दोनों ही केसेस में एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन सिंपल ग्रेजुएट भी जा सकते हैं इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी डिफेंस सिस्टम ब्रांच में, और बीटेक वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक, इसमें भी 10+2 सिंपल आपका जो है पास होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन आपका 60% के साथ होना चाहिए। अकाउंट ब्रांच में 10+2 आप पास हो एंड ग्रेजुएशन आपका इसमें भी 60% होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में क्या क्या चीज़ जरूरी है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बीकॉम आपने किया हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद द स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस हो आपका, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विद द स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस बैचलर हो, आप बिजनेस स्टडीज विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, क्वालिफाइड सी ए सी एम ए सी एस सी एफ ए या बी एस सी विद द स्पेशलाइज इन फाइनेंस, अगर आपने बी एस सी भी कर रखा है स्पेशलाइज फाइनेंस में तब भी आप कर सकते हो अप्लाई। एजुकेशन के लिए 10+2 सिंपल जैसा कि है, और पोस्ट ग्रेजुएट आपका 50% के साथ होना चाहिए, अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं एंड पीजी आपका 50% के साथ होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें आपका 10+2 होना, बीएससी आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 60% कर रखा है देन यू आर एलिजिबल। बाकी सिंपल इंजीनियरिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इसमें स्पेशली लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी एक सीट रिजर्व रखी जाती है, तो जो लॉ कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अमूमन सभी के सभी मेट्रोलॉजी एजुकेशन या लॉजिस्टिक या इन्हीं ब्रांचेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये तो बेसिकली गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी जो कमीशन कैटेगरी में। अब लेट्स टॉक अबाउट नॉन कमीशन, तो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि एक नवीर एयरफोर्स एक्स एंड वाई है। फीमेल एज ग्रुप 17.5 से 21 साल तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए एंड 12th ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए एंड गैर साइंस स्ट्रीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न है, फेज टू में आपका PFT एंड GDSRT और फेज थ्री आपका मेडिकल है, फिर फाइनल मेरिट आता है। ये भी एक 10+2 लेवल पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चियां अप्लाई करना चाहती है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी बट इज एग्जैक्टली आई वांट टू शेयर विद यू, ये अपॉर्चुनिटीज थी आपके सामने 10+2 NDA ग्रेजुएशन में AFCAD हर ब्रांच के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी एंड नॉन कमीशन कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के थ्रू। तो मुझे आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वाकई में देश की जो भी बच्ची डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल एक बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है और ये ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो बिल्कुल लगी है, मेहनत करिए सच्चाई से और अपनी सफलता को तय करिए। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि आखिर इंडियन एयरफोर्स में आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, किस ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये ड्रीम आपका कहाँ से बना और किस तरह बना। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।